फौजी के रुतबे से बड़ा और कोई रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी और कोई शान नहीं होती। अपने वतन से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। संदेश आते जब भी भारत के शहीदों पर कहानी बनाई जाती है, हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं। और इसी को देखते हुए अब बन रही है फिल्म बॉर्डर 2, जिसमें सच्ची वीर गाथा की कहानी आपको दिखाई जाएगी। तो आइए जानते हैं बॉर्डर 2 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। दोस्तों, 1997 में बॉर्डर की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के वॉर पर आधारित थी, जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना अहम रोल में थे। वहीं फिल्म मेकर जेपी दत्ता ने बॉर्डर 2 की कहानी पर बात करते हुए कहा है कि फिल्म भी 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हुई अन्य लड़ाइयों पर आधारित होगी। इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने 2 सालों तक की रिसर्च की है। निधि ने यह भी कहा है कि इस फिल्म में VFX का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा और रियल लोकेशन पर जाकर शूटिंग की जाएगी। बॉर्डर 2 फिल्म में आपको नई स्टार कास्ट देखने को मिलेगी, जिसमें सनी देओल तो रहेंगे ही, साथ में इसमें वरुण धवन की एंट्री भी हो चुकी है। वरुण धवन पहली बार आपको किसी सोल्जर के किरदार में नजर आएंगे, वह भी बॉर्डर 2 में। एक वीडियो में उनकी आवाज आती है, जिसमें वरुण कहते हैं कि दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूँ, जब धरती माँ बुलाती है सब छोड़कर चला आता हूँ। दोस्तों, बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगी और ये फिल्म आपको 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमा हॉल में रिलीज होते हुए दिखाई देगी। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। The war is on. दोस्तों, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे हमारी मुलाकात फिर से हो सके और नई अपडेट हम ला सकें। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ।